ऑल राइट गाइस, तो जब भी किसी को हेयर लॉस होता है तो सबसे पहला रिएक्शन जो दिया जाता है स्पेशली फ्रेंड्स और फैमिली के द्वारा, वो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है हेयर लॉस होना, बालों की कोई एज सच अहमियत नहीं है, इसलिए जो है इसको जैसा हो रहा है उसको होने दो और भूल जाओ। बट यहाँ पर जब हम केस स्टडीज देखते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि किस हद तक का जो डिफरेंस है वो बालों से जो है पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। इनफैक्ट जिसको हेयर लॉस हो रहा होता है उसको ही पता है कि जो बालों की अहमियत है वो किस हद तक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज की केस स्टडी की, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कपिल शर्मा जी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियन है इंडिया के। और अगर हम इनकी हेयर की कंडीशन की बात करते हैं तो पहले की जो कंडीशन है वो आप नोट कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने जो है लाफ्टर चैलेंज वगैरह देखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है इनका जो हेयर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे को देखने को मिलता था, और एक जो है काफ़ी एग्रेसिव हेयर लॉस पैटर्न ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और काफ़ी सालों से जो है इनका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेस करता आया है, जो कि ये दर्शाता है कि इन्होंने जो है स्टार्टिंग में जो है कोई ट्रीटमेंट एज सच यूज़ नहीं किया जो कि इस चीज़ को ब्लॉक कर देता। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इमेजेस की, तो आप नोट कर सकते हैं कि जो हेयर लॉस है वो नॉर्वुड 6 तक पहुँचता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बावजूद भी जो एक डेंसिटी है वो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इस स्टेज का जो हेयर लॉस सफरर्स हैं वो मोस्टली विक्स का और हेयर पैचेस का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग हेयर फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसी से जो है एक डेंसिटी जो कि घनापन जो है वो आ पाता है। अब जो इनकी लेटेस्ट इमेज सामने आई है वहाँ पर जो है इनका एक न्यू लुक देखने को मिला, जिसके अंदर जो इनका हेयर स्टाइल है वो कुछ जिसे कहते हैं क्विफ प्रकार का जो हेयर स्टाइल है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें जो बाल हैं वो थोड़े से लंबे और आगे से उठे उठे दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें इनके फेस की स्ट्रक्चर की, तो आप नोट कर सकते हैं कि एक जो गोल मुंह है उसको किस हिसाब से जो है एक स्क्वेयरनेस मिल रही है, जिससे कि जो है ये काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्टिव फेस इनका बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनकी पहले की इमेजेस की, तो आप नोट कर सकते हैं इनकी पहले की विक थी उसके अंदर जो इनका हेयर स्टाइल था वो काफ़ी सालों तक जो है सेम था, जिसके अंदर जो है थोड़े थोड़े बाल जो है माथे पे करके रखते थे। इस हेयर स्टाइल का फ़ायदा ये रहता है कि जो लोग विक पहनते हैं उससे जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पकड़ना कि यहाँ पर जो है विक का इस्तेमाल हो रहा है, और थोड़ा एक नेचुरल लुक आता है। बट जब इनकी प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले अभी जो इनका फेस है वो किस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। हालांकि जो इनकी बॉडी है वो कोई बहुत ज़्यादा फिट में नहीं आएगी, बट स्टिल जो है एक सिर्फ बालों के होने से जो है कितना जो है एक अट्रैक्टिवनेस के अंदर आदमी की फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं पहले जो है, हालांकि इनकी उम्र कम थी बट हेयर लॉस की वजह से जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी, वहीं पर अगर हम इनकी लेटेस्ट इमेजेस वगैरह देखते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि कितना जो है एक जिसे कहते हैं उम्र के अंदर भी यहाँ पर कम होता हुआ एक हमें नज़र आ रहा है। अब कई लोग मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि इन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑप्ट क्यों नहीं किया। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनकी हेयर लॉस की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। इनफैक्ट नॉर्वुड 6 नॉर्वुड 7 की जो कंडीशन होती है उस पर जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं कि आपको एक कवरेज तो मिल जाएगी बट जो डेंसिटी है वो आनी बहुत मुश्किल है उस ग्रेड के बॉल्डनेस पे। इसी वजह से काफ़ी सालों से जो है हेयर पैच का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और ये जो हेयर पैच है इनका इसके अंदर जो डेंसिटी है वो काफ़ी एक्सेसिव लग रही है। तो मेरे अनुमान में जो है अगर ये थोड़ा सा लाइट डेंसिटी वाला हेयर पैच यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो थोड़ी बेटर इनको एक लुक आएगा और काफ़ी नेचुरल भी लगेगा। अब आपको क्या लगता है गाइस कि क्या जो है इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, या आपको लगता है हेयर पैच है ये, या फिर आपको लगता है नेचुरल है? ज़रूर अपने कमेंट्स जो है शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हैव अ ग्रेट डे गाइस।